तो जिस तरह हम लाइन की प्रीवियस टॉपिक्स पे वर्क करते आ रहे हैं हमने लाइन लगाना सीखी उसकी डायमेंशन के ऊपर वर्क करना सीखा उसको लाइन टाइप वेट हमने डिफरेंट उसके अंदर कलर चेंज करना सीखा तो अब हम उसी से एसोसिएटेड उसी से मिलती हुई लाइन को ही आगे लेके चलते हैं कि इस लाइन के साथ फ़र्दर हम किन किन चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकते हैं उसमें हमारे पास एक ऑप्शन आती है कि आप कुछ लाइंस लगा रहे हैं आपने एक क्लिक की दो तीन मल्टीपल आपने उसके ऊपर एक पॉइंट्स के ऊपर लाइन को क्लोज़ किया और अब आप चाहते हैं कि ये जितनी भी मैंने लाइंस लगाई हैं ये कलेक्ट हो जाए इकट्ठी हो जाए कलेक्टिव में आप जैसे ही वो कर्सर को उसके ऊपर जाकर क्लिक करें तो वो एक ही यूनिट सिंगल शो हो रहा हो इसको भी हम करना सीखेंगे इसी के साथ सपोज आप, आपके पास एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिस तरह आप हम एक हाउस प्लान आगे जाके पूरे घर का नक्शा बनाएंगे उस नक्शे को आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी कमांड इस्तेमाल करूं अभी ये एक सिंगल यूनिट है और जैसे ही मैं वो कमांड ऑपरेट करूं तो जितने इसके अंदर लाइंस इस्तेमाल हुई है आर्क इस्तेमाल हुई है कोई आपने वहाँ पे दायरा सर्कल इस्तेमाल किया है आपने कोई कुछ लिखा है टेक्स्ट से ये सब चीज़ें अलीहद अलहदा हो जाएँ जिसको हम कहते हैं तोड़ देना एक्सप्लोड करना तो हम बेसिकली इन दो टूल्स का यूज़ यहाँ देखेंगे कि चीज़ों को जोड़ते कैसे हैं अगर आपने कैड के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करना है वो कैसे करते हैं और अगर आपने उन्हीं इकट्ठे किए ऑब्जेक्ट्स को नेचर ऑफ़ प्रोजेक्ट जिस तरह आपको जो जो टास्क मिला है जो चीज़ मिली है अगर अब उन्होंने कहा कि इसको आपने ब्रेक करना है आपने उसके वो पार्ट्स बना देने हिस्से बना देने हैं तो वो कैसे करते हैं तो आइए बढ़ते हैं हम कैड की तरफ और इन दोनों कमांड्स का इस्तेमाल देखते हैं तो अब हम हम कैड के अंदर ऑपरेट करके देखते हैं कि ये दो हमने जो कमांड्स ज्वाइन और एक्सप्लोर्ड देखे इसको हम यूज़ कैसे करते हैं तो ये हमारे पास स्क्रीन है ऑटो कैड की जो कि जैसा कि हमने स्टार्ट में ये लास्ट टॉपिक हमने यही एंड किया था ये हमने कुछ लाइन्स लगाई थी तो इन लाइन्स को जो है वो हम इनिशली यहाँ से डिलीट कर देते हैं लेफ़्ट सिलेक्शन हमने यूज़ कर ली है यहाँ से आप अगेन चाहें तो आप सेम वापस भी जा सकते हैं आप जिस तरह हमने देखा कलर भी आप चेंज कर सकते हैं किसी भी कलर में आप जा सकते हैं ब्लैक कलर के अंदर यहाँ से आप इसकी टाइप को भी बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं या पॉइंट टू फाइव एम एम जो स्टैंडर्ड साइज़ है तो ये हमने बेसिक वो दोबारा उन सेटिंग्स में आ गए जिसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं या फॉर्मेट से भी चेंज कर सकते हैं या आप एल डब्ल्यू लाइन वेट और एल टी ये दो कमांड्स आप दोबारा नोट कर लें लाइन वेट हमने तीन मैथड देखे चौथा मेथड उसकी शॉर्ट की भी है जो कि हम एल डब्ल्यू यूज़ करें तो ये आपको लाइन वेट के ऊपर और एल टी अगर आप यूज़ करेंगे तो लाइन टाइप के ऊपर आप चले जाएंगे अब हम आते हैं अपने जो टॉपिक हमारा है दैट वो है ज्वाइन करना तो ये हमारे पास हम एंटर करते हैं एल एंटर और हम एक लाइन लगा लेते हैं आर्थो हम यहाँ से फिलहाल ऑफ कर देते हैं या आर्थो जस्ट जब भी ऑन होगा आपकी लाइन जो है वो 90 और उसके मल्टीपल एंगल्स में लगेगी तो हम यहाँ पे आर्थो ऑफ करके हम एक लाइन लगा रहे हैं जिसके मल्टीपल हमारे पास पार्ट्स हैं और हमने इसको यहाँ पे एंटर कर दिया और एंड कर दिया तो अब अगर मैं जिस भी पार्ट के ऊपर आप क्लिक करता हूँ तो वो हाईलाइट हो जाता है ये येहदा है इट मीनस इस टाइम इस लाइन के मल्टीपल पार्ट्स हैं मल्टीपल हिस्से हैं ये टोटल हमारे पास एक ये मैसेज सपोज कर लेते हैं फ़र्ज़ करते हैं एक रोड है जो यहाँ से चलती है यहाँ से आके वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है फिर वो यहाँ आती है फिर यहाँ से फिर कोई और कर्व आ रहा है फिर कहीं और कर्व तो इसके काफ़ी सारे जो हैं वो सेक्शंस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बने हुए हैं अब हम इन सेक्शंस को कंबाइन करना चाहते हैं आपको टास्क मिलता है कि आप ये एक जो रोड है इसको पूरे यूनिट के तौर पे हमें दिखा दें ताकि जब भी हम इसकी अगर कुछ जिस तरह हमने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वर्क किया अब हमें एक असाइनमेंट मिलती है कि आपने इस रोड के कलर चेंज कर देना है। या इन ये जो पूरी रोड है इसकी आप लाइन टाइप चेंज कर दें अब अगर आपने करना हो तो आपको एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्लिक करके हमें चेंज करना पड़ेगा जिस तरह यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं तो वाइनाट हमको ऐसी कमांड इस्तेमाल कर लें कि ये पहले एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए और फिर ईजिली हम इसके ऊपर वर्क कर सकें तो यहाँ पर हमारे पास एक ज्वाइन की कमांड जिसकी हम दो मैथड्स देखते हैं तो फर्स्ट मैथड में आप ज्वाइन कमांड जो है वो मॉडिफाई मीनू से भी पिक कर सकते हैं ये हमारे पास मॉडिफाई में ज्वाइन है जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास वो ऑप्शन दे रहा है कि सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट आर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू ज्वाइन एट वंस अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि आपने ज्वाइन कमांड तो पिक कर ली है अब आप जिन चीज़ों को ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको सेलेक्ट करें तो हम सपोज जिन जिन चीज़ों को अब हम इसको कलेक्टिव सिलेक्शन भी कर सकते हैं स्टार्ट में हम वन बाय वन करते हैं अब जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता जाएगा उसका कलर जिस तरह कैड में हमने देखा जब भी हम सिलेक्शन करते हैं तो वो ब्लू कलर में टर्न होता जाएगा इट मीनस ये हमारे अभी हम वन बाय वन सेलेक्ट कर रहे हैं जैसे ही हमने इसको सिलेक्शन को एंड किया अब हम एंटर प्रेस करेंगे एंटर मीन्स हम कमांड को ऑपरेट करने जा रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं चलाने जा रहे हैं तो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया अब अगर हम आएँ तो ये जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर कर्सर लेकर आए तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो गया है सो तो इस तरह हम ज्वाइन कमांड को इस्तेमाल करते हैं जब भी आपके पास कुछ पार्ट्स में ऑब्जेक्ट्स हों और आप उनको इकट्ठा करना चाह रहे हों तो आपने ज्वाइन कमांड यूज़ करनी है अब हम क्विकली जल्दी से एक और दो तीन लाइन्स लगा लेते हैं और हमारे पास सेकंड मेथड भी है जे एंटर जिसमें हम सिंपली शॉर्ट की तो ये आप जो नोटबिक बुक बनाते जा रहे हैं उसमें साथ इस की को भी ऐड कर लें जे एंटर फॉर ज्वाइन जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं वही सेम मैसेज जो हमने मॉडिफाई में से पिक किया था, था कि सोर्स ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें या उन मल्टी मल्टीपल पार्ट्स जिनको आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हम अभी जिन पार्ट्स को सपोज हम इन तीन को सिलेक्ट कर लेते हैं लास्ट वालों को नहीं करते और एंटर करते हैं अब आप गौर करें तो जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है सिर्फ वो तीन ऑब्जेक्ट एक में सेलेक्ट हो रहे हैं इसके अलावा ये भी भीलीहदा है ये जो आपका कर्सर है ये भी भीलीहदा है और ये भी भीलीहदा है तो ये है हमारे पास ज्वाइन कमांड अब इसके अपोजिट हमारे पास ये तो था कि हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स को हमने जोड़ना था अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे हिस्से हमने एक एक ऑब्जेक्ट एक चीज है जिसके अंदर जिसका ये एक ऑब्जेक्ट है अभी हमें पता है कि इसके अंदर मल्टीपल लाइंस थी लेकिन हमने ज्वाइन कमांड इस्तेमाल करते हुए इनको कंबाइन कर लिया अब अगर इनको तोड़ना पड़ जाए इसको आपने दोबारा वापस उन हिस्सों में तकसीम करना है जिन हिस्सों में ऑलरेडी आपने इसको इकट्ठा किया था तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्लोर्ड की कमांड है तो आप इसके लिए एक्सप्लोर्ड हम पहले दो मैथड देखते हैं तो आप एक्सप्लोर्ड की कमांड डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ई एक्सपीएल जैसे आप लिखेंगे तो आपके पास एक्सप्लोर्ड की ऑप्शन आ जाएगी तो हम इसको एंटर करते हैं अब आपसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ये पूछ रहा है कि वो ऑब्जेक्ट बताएं जिसके ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर दें ये सिलेक्ट हो चुका है ये सिलेक्शन का सिम्बल है तो होता है कि जब भी आपका कैड का ऑब्जेक्ट ब्लू टर्न हो जाए और इसको आप एंटर कर दें अब जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया है तो ये बैक टू ओरिजिनल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अब ये दोबारा ब्रेक हो चुका है डिफरेंट हिस्सों में ये अब उसके ओरिजिनल वही पार्ट्स बन चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है हम अब दूसरा मेथड भी देखते हैं ये तो था हमारे पास ये हमने ई एक्स पी लिखा अब अगर हम ई एक्स पी एल हमारे पास शॉर्ट की मौजूद है एक्स एंटर एक्स इज शॉर्ट की फॉर एक्सप्लोर्ड अगेन इसको नोट करें आप एक्स एंटर वो अगेन आपसे पूछ रहा है वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसके ऊपर आप ये एक्सप्लोर्ड की ऑप्शन ई एक्स पी एल ओ डी ई आपने इसे एंटर किया अब अगर आप नोट करें तो आप हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये एक्सप्लोर्ड हो चुका है डिफरेंट हिस्सों में तो इस तरह आप प्ले कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आगे जाके इसका आपको यूज़ भी आता रहेगा जिस तरह मैंने एक रोड की एग्जांपल ले लिया आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके मल्टीपल जो हिस्से आपके हैं उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है आप उनको जोड़ना चाहते हैं या आप तोड़ना चाहते हैं तो आप ईजिली जो है वो आटो कैड के अंदर इस तरह परफॉर्म इन दोनों एक्शन को कर सकते हैं तो इस टॉपिक के अंदर हमने आप एक्सप्लोर्ड और जॉइन कमांड को देखा हमने इसको एग्जीक्यूट किया हमने उसको परफॉर्म किया और आपने देखा कि किस तरह मुख्तलिफ़ हिस्सों को हमने इकट्ठा कर लिया उसमें हमने जॉइन की कमांड इस्तेमाल करते हुए दो मैथड्स भी देखे मॉडिफाई में से भी जाके हमने देखा और जे ओ आई एन भी लिख सकते हैं आप सिंपल जे एंटर भी किया और फिर हमने उसी तोड़े हुए हिस्से जो हमारे थे जो हमने जिन हिस्सों को तोड़े हुए जोड़ा था उनको अगर आपने दोबारा एक्सप्लोर्ड करना है ब्रेक करना है आप चाहते हैं कि वापस आप इनको अलहदा कर दें अलीद हिस्सों में तो हमने फिर एक्सप्लोर्ड कमांड का इस्तेमाल किया जो कि अभी हमने एग्जीक्यूट किया